स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? मेरे पास एक बहुत दिनों से सवाल चल रहा है बहुत सारे लोगों का। बहुत सारे लोग मुझसे एक ही टॉपिक पर बार बार बात कर रहे हैं। ऐसा क्या होता है कि हम अपने ही पार्टनर के साथ में शारीरिक संबंध ना बनाकर और लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाकर बहुत खुश होते हैं? ऐसा क्या होता है कि शादी के कुछ साल बाद हमें वही इंसान के साथ फिजिकल होना अच्छा नहीं लगता जो हमारा लाइफ पार्टनर होता है? ऐसा क्या होता है कि धीरे धीरे कुछ लोगों का मन ही हट जाता है इन सब चीज़ों से? ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग इसी चीज़ के लिए अधीन हो जाते हैं? ऐसा क्या होता है हमारी कुंडली के अंदर कौन से ग्रह कारगर होते हैं और इसका उपाय भी क्या होता है? क्या एस्ट्रोलॉजी में भी नपुंसक होने की कोई बहुत विशेष क्रिया होती है? क्या एस्ट्रोलॉजी से हम इस चीज़ को सही कर सकते हैं? मैं आपसे बहुत खुलकर आपकी चीज़ों को, आपकी समस्याओं को लेकर बातें करने लगी हूँ। मैं आपके सामने बेहिचक आपके टॉपिक्स को लेकर आने लगी हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आपको भी मुझसे जो पूछना हो आप बेबाक पूछिए। हाँ, वो लोग मेरे परिवार से, मेरे ग्रुप से, मेरे कमेंट बॉक्स से बहुत दूर रहे जिनकी नीयत में ही खोटी है, जो औरत की इज्जत करना नहीं जानते। लेकिन अगर सच में आपको जेन्युइनली दिक्कत है तो आपको हमसे बात करनी चाहिए। 101% नहीं, 100% एस्ट्रोलॉजी में इसका समाधान है। एस्ट्रोलॉजी एकमात्र ऐसा तरीका है जो आपको ये बता सकता है कि आप आने वाले भविष्य में ऐसी किसी परेशानी से ग्रस्त होंगे या नहीं होंगे। कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, कोई वैद्य नहीं बता सकता, कोई साइंस नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, आपकी अपनी कुंडली बता सकती है कि किस आयु पर जाकर आप इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, किस आयु पर जाकर आपको नपुंसकता प्राप्त हो जाएगी, किस आयु पर जाकर आप समलैंगिक हो जाएंगे, किस आयु पर जाकर आपको अपने साथी के अलावा और लोगों के साथ में फिजिकल रिलेशंस बनाने में अच्छा लगेगा। कौन बता पाएगा? सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही बता पाएगी आपको ये बात कि आपके अपने पति के साथ, अपने साथी के साथ शारीरिक संबंध एक एज के बाद में खत्म हो जाएंगे। दावे के साथ, पूरे विश्वास के साथ, और मेरी आवाज़ में बुलंदी तो आप देख ही रहे होंगे, इस बुलंदी के साथ कह सकती हूँ सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही बता पाएगी कि ये सब आपके जीवन में कब, कैसे, क्यों और कहाँ होगा। तो चलिए, जब आपकी ये साथी आपके साथ है तो आपको घबराने की क्या बात है, बता देती हूँ आपको ऐसा क्यों होता है। सबसे पहली चर्चा का विषय जिस पर मैं अभी कम से कम 6-7 घंटे लेक्चर देकर आई हूँ, आपको भी बता देती हूँ। 6-7 घंटे नहीं, शॉर्टकट में बताती हूँ। सबसे पहली बात, समलैंगिकता होने का प्रमुख कारण क्या है? पंचम में बैठा हुआ शुक्र मंगल अगर गुरु की राशि पर आ जाता है, अगर चंद्रमा की राशि पर आ जाता है या शनि के नक्षत्र में आ जाता है तो ऐसा इंसान समलैंगिक 100% हो जाता है। अगर सप्तम में बैठा हुआ शनि के साथ शुक्र राहु की नजर में आ जाता है, राहु से नजर दोष खा जाता है, कुंडली के अंदर और सोने पे सुहागा हो जाए अगर चंद्रमा और राहु की युति साथ में हो, तो ऐसा व्यक्ति समलैंगिक जरूर हो जाता है। जिसके 12वें घर के अंदर बुध बैठ जाए, जिसके 12वें घर के अंदर बुध शुक्र की राशि पर बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति 101% समलैंगिक हो जाता है। समलैंगिकता कोई बीमारी नहीं है, बल्कि समलैंगिकता ग्रहों की रचाई हुई वो युति है जिसमें आपको प्रकृति के खिलाफ जाकर वो चीज़ अच्छी लगती है जो आपकी तरह है। प्रकृति ने तो दो चीज़ें बना कर दी हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष, और हमेशा से योग युगांतर से ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं। परंतु इस चीज़ के बहुत सारे प्रमाण हमारे इतिहास में भी मिलते हैं कि कुछ लोगों को अपने ही जैसे, यानी कि अपने ही लिंग के लोगों के साथ प्रेम हुआ है और वो प्रेम इतना ज़्यादा बड़ा है कि लोग इस चीज़ को या तो छुपा जाते थे, शर्म से बता नहीं पाते थे, या फिर इस चीज़ को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देते थे। परंतु आजकल ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, हमारे तो देश में भी इस चीज़ को प्रमाणिकता तक मिल गई है। तो ऐसा होना कितना सही और कितना गलत, चर्चा का बहुत लंबा विषय है, हम फिर किसी दिन इस बारे में बात करेंगे। पर ग्रहों की क्या युति आपको इसमें परेशान करती है, ये आपकी ये साथी आपको बताएगी। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई चीज़ है, या आपके भाई, आपकी बहन, आपके बच्चे के साथ ये चीज़ है और आप ये चाहते हैं कि वो नॉर्मल हो जाए,
वो बैक हो जाए, वो अपनी उन चीजों से बाहर निकलकर अपनी ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको केसर लेना चाहिए, आपको धतूरा लेना चाहिए, आपको थोड़ा सा नीम का गोला लेना चाहिए, नीम की जो गोटियां आती है जिसमें नीम के अंदर एक बीज सा बनता है वो आपको लेना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को लेकर साथ में पीस लीजिए, इसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद में इसको ऊपर आपको थोड़ा सा गंगा जल रखना है, यानी कि गंगा जल एक बूंद आपको डाल देना है, और उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें एक लोटे के अंदर डाल देनी है। लोटे के अंदर डालने के बाद आप जिस व्यक्ति को इस तरह की पीड़ा है, जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त है, उसके सिर पे से 7 बार घुमा दीजिए और ले जाकर किसी सुनसान जगह पर जाकर इस पानी को फेंकाइए। ऐसा आपको शुक्रवार के दिन करना है और ऐसा आपको 11 शुक्रवार करना है। धीरे धीरे करके उसमें चेंजेस आने लगेंगे, धीरे धीरे करके उसके हार्मोनल चेंजेस होने लगेंगे, धीरे धीरे करके उसकी बुद्धि बदलने लगेगी, और धीरे धीरे करके उसको ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। चलिए, इस विषय पे बहुत सारे लोग डर के मारे बात ही नहीं कर पाते हैं, पर यहाँ इस परिवार में डर का कोई नामो निशान नहीं है। ये परिवार आपके साथी का परिवार है। समस्या कितनी भी जटिल हो, समस्या कितनी भी गहरी हो, समस्या कैसी भी हो, आपकी ये साथी बैठी है आपकी सभी समस्याओं को लेकर समाधान देने। चलिए, हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो समय के साथ नपुंसक हो जाते हैं। ऐसे कौन से योग होते हैं कि हमको बहुत कम उम्र में सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होने लगता है? ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिसकी वजह से हम बहुत कम आयु में ही बहुत जल्दी लोगों के साथ फिजिकल हो जाते हैं, और उसके बाद एक आयु के बाद हमारे अंदर वो डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती हैं, हमारी फिजिकल बॉडी जो है वो इस तरह की हो जाती है कि हम फिर कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं रहते, हम नपुंसक होने लगते हैं। आपको बहुत आराम से ये बात समझा रही हूँ, बहुत तसल्ली से समझिएगा। आपके हाथ में अंगूठे के नीचे ये शुक्र पर्वत होता है। अगर ये शुक्र पर्वत आपका धीरे धीरे दबने लगे, आपका ये शुक्र पर्वत अगर कमज़ोर होने लगे, आपके शुक्र पर्वत के ऊपर अचानक से निशान या तिल आने लगे, आपका ये शुक्र पर्वत अगर किसी वजह से कटने लगे, आपके ये शुक्र पर्वत पर अगर कालापन आने लगे, आपकी हथेली में अगर कालापन आने लगे, अगर आपके शुक्र पर्वत के ऊपर नील पड़ने लगे, अगर यहाँ पर लाइनें एकदम क्रॉस में जाने लगे, टेढ़ी जाने लगे, तो ये मान के चलिए कि आपके जीवन से शारीरिक सुख खत्म हो रहा है, आपका शुक्र बर्बाद हो रहा है, आपकी शारीरिक क्षमताएं खत्म होती चली जा रही हैं। अगर आपके छठे घर में कन्या राशि आती है और उसका मालिक 12वें घर में जाकर बैठ जाता है, तो आप में धीरे धीरे करके शारीरिक सुख की कमी आने लगती है। अगर आपका शुक्र कन्या राशि में बैठ जाता है और साथ में मंगल और साथ में सूर्य आ जाए, या सूर्य या मंगल में से कोई एक ग्रह आ जाए, तो ये मान के चलिए कि आपको एक एज के बाद और खास करके 42 के बाद शारीरिक कमियां आने लगेंगी। अगर आपका शुक्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा इंसान डायबिटीज़ का पेशेंट हो जाता है। डायबिटीज़ सबसे बड़ा कारण होती है शारीरिक सुख को कम करने का, आपको नपुंसक बनाने का। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें केंद्रित हो जाती हैं आपके शुक्र के ऊपर। एक बहुत बड़ा एपिसोड और एक बहुत शानदार एपिसोड लेकर आने वाली हूँ शुक्र के ऊपर, तब तो वो उपाय करिएगा ही, लेकिन इसका भी उपाय जाते जाते अभी आपको या आपके साथ ही बता कर जाएगी। चलिए, और कुछ जो आपके साथ में हो और आपको पता भी ना चले कि ये कैसा हो रहा है। अचानक से आपकी बॉडी से बाल गायब होने लगे, अचानक से आपकी बॉडी की हेयर ग्रोथ रुकने लगे, अचानक से आपको शरीर पर बाल कम आना चालू हो, तो ये मान के चलिए कि आपका शुक्र प्रभावित हो रहा है। अचानक से आपके बदन के अंदर दुर्गंध आने लगे, अचानक से आपका पसीना बदबू मारने लगे, अचानक से आपको ये दुर्गंध बहुत ज़्यादा महसूस होने लगे, भरी गर्मी भरी सर्दी के अंदर भी आपको पसीने के साथ साथ ऐसी दुर्गंध आए जो आपसे खुद से बर्दाश्त ना हो, तो ये मान के चलिए आपका शुक्र प्रभावित हो रहा है। आपके घर की लड़कियां, आपके घर की बेटियां, आपके घर की बहुओं के साथ अगर आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, अगर औरत बार बार आपके विनाश का कारण बनती जा रही है, औरत के साथ आपकी तुतुमैमे बहुत होती है, राह चलते भी अगर औरतें आपसे जबरदस्ती पंगे लेती हैं, आपको डांटती हैं, आपको फटकारती हैं, कई बार बेवजह गलतफहमियों के कारण आपको अगर कोई मारती है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका शुक्र खराब हो रहा है।
आपके साथ ऐसा हो रहा है तो एक बार सोचिएगा जरूर, धीर गंभीर होकर कमरा बंद होकर के ये बातों पर विचार करना बहुत जरूरी है। एक तो हमारा खान पान बहुत खराब हो चुका है, जलवायु तो खराब होती ही जा रही है, साथ ही साथ में कुछ हमारे ऐसे लक्षण होते हैं, हमारे खुद के ऐसे लक्षण होते हैं। माँ हूँ इसलिए डांटते हुए ये बात कह रही हूँ कि आपकी अपनी कमियाँ ही आपको ये शारीरिक कमजोरियों का भाग बना देती हैं, परंतु चूंकि आपकी साथी हूँ इसलिए आपका साथ दे रही हूँ और आपको इसमें से निकलने का तरीका भी बता रही हूँ। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रत्येक शुक्रवार को एक मिट्टी का कसोरा लेना है, मिट्टी का खुला हुआ बर्तन लेना है, उसके अंदर आपको दही जमा देना है। सुबह के समय ये दही जमा दीजिएगा, शाम के वक्त इस दही के बीचों बीच दो लौंग के जोड़े लगाइएगा और उसके पास रोली से एक गोला बना दीजिएगा, अपने सिर पे से 7 बार घुमाकर चौराहे पर रखाइएगा। जब आप 18 बार यानी कि 18 शुक्रवार ये कर्म करेंगे तो आपकी नपुंसकता धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। अपने गुप्तांगों को छाछ से और दही से धोना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी नपुंसकता खत्म होने लगेगी। आपके जीवन में अगर शैया सुख कम हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, 12वां घर होता है आपकी शैया सुख का, आपकी सेक्स लाइफ को बढ़ाने का और घटाने का, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको शुक्रवार के दिन मीठा जल और उसके अंदर गुलाब की पत्तियां डाल के शिव जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की पूजा आपको निरंतर रूप से करनी चाहिए। हर चीज़ का समाधान हमारे धर्मों में है, हमारे ग्रंथों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका समाधान हमें ना मिला हो। जो लोग मज़ार पर जाते हैं, जो लोग मानते हैं पीर फकीरों को, उनको सफ़ेद रंग की चादर पीर बाबा की दरगाह पर ज़रूर चढ़ानी चाहिए। बहुत आसान से तरीके बता रही हूँ, करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। चलिए, ऐसा क्या होता है कि एक समय के बाद हमें अपने जीवन साथी से उबन होने लगती है, हमें अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंध बनाने में विच्छेद होने लगता है। हम साथ तो रह रहे हैं परंतु हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ शारीरिक नहीं रहा। ऐसा क्या होता है भाई, जिससे कुछ सालों बाद ऐसा हो कि हमारे अपने पति के साथ रहते हुए ऐसा लगे जैसे हम अपने पिता के साथ या भाई के साथ रह रहे हैं, या अपनी पत्नी के साथ रहते हुए ऐसा लगे कि अरे भाई हम अपनी किसी माँ के साथ या अपनी बहन के साथ रह रहे हैं। पत्नी जैसा सुख आता ही नहीं, केवल एक शारीरिक सुख नहीं होता, एक टच होता है, एक फील होती है, एक छूने से, एक स्पर्श करने से जो सेंसेशन होती है, जो छूने से एक अंदर कहीं तक कुछ घूम जाता है, एक छूने से जो स्पर्श से एहसास हो जाता है। औरतों के साथ तो मैं ये चीज़ बहुत आराम से कह सकती हूँ, शायद आदमी मेरी इस बात को ना माने, परंतु सॉरी आपको बुरा लगे लेकिन ये परम सत्य है। एक समय के बाद औरत को शारीरिक संबंध से ज़्यादा स्पर्श की ज़रूरत होती है। आप किसी औरत के साथ शारीरिक तो इन्वॉल्व होना चाहते हैं लेकिन आप उसकी छोटी छोटी चीज़ों की केयर नहीं करना चाहते, तो उसका आपसे मन हटने लगता है, प्रेम हटने लगता है। वो आपके साथ होती है लेकिन अंतर आत्मा से आपकी कभी नहीं हो पाती, एक तरीके से कहूँ तो वो एक जिंदा लाश की तरह आपके साथ होती है। तो इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए पहले अपनी ये कमियाँ दूर ज़रूर करिएगा। जो ये शिकायत करते हो अपनी पत्नियों से कि मुझे तुमसे पहले जैसा प्यार नहीं मिलता, आईने के सामने खड़े होकर अपने गिरेबान में झांकना जरूर, ये देखना जरूर कि क्या तुम अपनी पत्नी को वो प्यार दे रहे हो, क्या वही पुराना वाला लड़कपन वाला प्यार आप अपनी पत्नी को आज भी दे रहे हो। नहीं, वो लड़कपन वाला प्यार तो आपने शादी के कुछ साल बाद ही खत्म कर दिया, अब तो आप प्रैक्टिकल लव दे रहे हो, खिला रहा हूँ ना, पिला रहा हूँ ना, रख रहा हूँ ना, ये देख रहा हूँ ना। नहीं भाई, नहीं, औरत को ये खिलाना पिलाना और ये सब नहीं चाहिए, उसको वही लड़कपन वाला प्यार पूरी ज़िंदगी चाहिए। क्या आप जानते हैं औरत ता उम्र कभी भी बड़ी नहीं होती, एक औरत अपने पति के लिए ता उम्र हमेशा छोटी ही रहती है। शायद इसीलिए ये उम्र का एक फासला ग्रंथों ने, शास्त्रों ने भी पति पत्नी के बीच लिखा है। बात थोड़ी आज कड़वी कर रही हूँ लेकिन सत्य कर रही हूँ, क्योंकि आपकी कमियाँ ही आपके जीवन को बर्बाद करती हैं। चलिए, अगर आप दोनों के बीच में शारीरिक संबंध खत्म हो गए हैं तो आपको क्या कर लेना चाहिए, आप लोगों को सबसे पहले गौरीशंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कुंडली का 12वां और 7वां घर आपको ज़रूर से दिखाना चाहिए और उसके जो उस घर के जो ग्रह हों उनका आपको निवारण ज़रूर करना चाहिए। आप पति पत्नी की कुंडली के अंदर गुण मिलान करते समय मैत्री गुण मिलाए जाते हैं, उनको आपको देखना चाहिए। अगर वो कम है, उनकी संख्या कम है या वो आपस में नहीं मिल रहे हैं तो आपको एक बार उसका भी उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपकी कुंडली में मंगल की दशा, महादशा, अंतर दशा तो नहीं है, ये आपको चेक करना चाहिए।
आपकी कुंडली में सूर्य कहीं नेगेटिव तो नहीं हो रहे हैं, ये आपको चेक करना चाहिए। आपके सप्तम के ऊपर राहु की शनि की दृष्टि तो नहीं आ रही है, आपको ये चेक करना चाहिए। आपके शुक्र की गति तो कम नहीं हो रही है, आपका शुक्र कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव तो नहीं दे रहा है, आपको ये चेक जरूर करना चाहिए। अगर आपके साथ ये सारी दिक्कतें हैं तो आपको दो ऑरेंज कलर के अकीक लेकर बहते हुए जल के अंदर शनिवार के दिन प्रवाहित कर देने चाहिए। बुध की स्थिति खराब होगी तो वो नपुंसकता लाएगा, शारीरिक संबंधों में कमी दिलाएगा। अगर बुध की स्थिति खराब होगी तो वो जरूर आपको अपने जीवन साथी के अलावा किसी दूसरे के साथ संबंध बनाने पर मजबूर करेगा। बुध शुक्र की राशि में हो, शुक्र बुध की राशि में हो, शुक्र मंगल के साथ में युति हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी को छोड़कर दूसरे लोगों के प्रति अट्रैक्ट होता है और अपने जीवन साथी को छोड़कर हमेशा और लोगों से शारीरिक संबंध बनाकर खुश रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा हो तो आप प्लीज इनके निवारण जरूर करिए। शुक्र लग्न में बैठा हो, शुक्र सप्तम में बैठा हो, शुक्र लग्न में राहु के साथ हो, शुक्र सप्तम में राहु या केतु के साथ हो, तो आपकी कुंडली के अंदर यह युति जरूर बनती है। नवांश कुंडली में अगर शुक्र जाकर राहु के साथ दूसरे घर में जाकर बैठ जाए तो आप अपने पति को छोड़कर बाकी दुनिया में किसी से भी सेटिस्फाइड हो सकते हैं, या आप अपनी पत्नी को छोड़कर आप दुनिया में किसी भी पर स्त्री के साथ में खुश रह सकते हैं। अगर ये सारी युतियां हैं तो आपको सोचने को विचार करने की जरूरत है। एक दो तीन उपाय बता रही हूं जो आपको महा उपाय की तरह काम करेंगे। उठा लीजिए कॉपी पेन और लिख लीजिए अपनी सारथी की ये सीख। चलिए पहला उपाय क्या करना है आपको, आपको थोड़ा सा गलोचन लेना है। आपको गलोचन एक पान के पत्ते के ऊपर रख कर उसको पीले धागे से बांध देना है। बांधने के पश्चात आपको 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है और उसके बाद आपको ये पान का पत्ता जाकर श्री हरि गोविंद के चरणों में चढ़ा देना है। ऐसा आपको गुरुवार के दिन जरूर करना है। आपके बेडरूम के अंदर आपको पान के पत्ते के ऊपर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाकर चिपका देना है, खास करके अपने बेड के ऊपर तो आपको जरूर से चिपका देना है। बेड की बैक साइड में चिपका दीजिए। हर 11 दिन बाद ये पान का पत्ता बदल लीजिए। ऐसा लगातार 6 महीने तक करिए, आपके संबंधों में सुधार आने लगेगा। आपके बेडरूम के अंदर कपूर जरूर जलाइए और साथ ही साथ में नमक का पोचा आपके बेडरूम में जरूर लगाइए। चलिए तीसरा महा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप जरूर कर लीजिएगा। क्या करना है आपको, आपको गोमती चक्र लेने हैं, आपको लौंग लेनी है, आपको इलायची लेनी है और आपको एक जटामाशी लेनी है। जटामाशी थोड़ी सी ले लीजिएगा या एक पूरा ऐसा डंडल मिल जाए तो वो ले लीजिएगा। ये सारा सामान लेकर लाल कपड़े में बांध लीजिएगा। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी को स्मरण करके ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका आपको कम से कम 11 माला का जाप करना है। लक्ष्मी जी के अलग और विष्णु जी के अलग 11-11 मालाओं का जाप करके ये पोटली आपको ले जाकर महालक्ष्मी जी के मंदिर में या फिर सीताराम जी के मंदिर में जाकर चढ़ा आनी है। करके देखिएगा, अद्भुत लाभ मिलेगा, आपके संबंधों में सुधार होने लगेगा। अगर दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं तो अपने ग्रहों के हिसाब से भी आपको कुछ उपाय कर लेने चाहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। किन और टॉपिक्स पे आप मुझसे बात करना चाहते हैं, क्या और ऐसा है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको समाधान दूं, मैं आपको उसका कारण बताऊं, प्लीज कमेंट करा करिए, प्लीज मुझे सजेस्ट करा करिए। मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए आप मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको रोज के अपडेट्स मिलते रहें, राशिफल रोज प्राप्त होते रहें। आप मुझसे बात करने के लिए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना, दिल से बोल रही हूँ, अपना ख्याल रखना। फिर आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।